केदारनाथ बद्रीनाथ वो स्टार्ट हो जाता है ऋषिकेश के बाद, ऋषिकेश के बाद की बात है भाई। तो वहाँ से बद्रीनाथ केदारनाथ या अमरनाथ तो श्री गंगा मंदिर मुख्य है। मनसा देवी, अच्छा मनसा देवी मंदिर ऊपर पहाड़ों पर। और यहाँ से कैसे भी आए बाहर जाने वाला है रेलवे स्टेशन वाला रोड, तो चलो चलते हैं फिर मनसा देवी पैदल मार्ग। चलो ये भी है, अगला भी है, अगला भी है, दो है इसके। बिल्कुल रिलैक्स होके चलना है यहाँ पे, कोई बात नहीं। पहले गाइस ट्रैक देहरादून वाला, ये जा रहा देहरादून जा रहा है ये, यार मैं इधर से देखता हूँ हर बार, नीचे से भी देख सकते हो। और देखा मैंने नीचे से भी, लेकिन ट्रेन में नीचे पैदल आ जा फाइनली आज। ट्रेन का ये है ना? हाँ ट्रेन वाला ये है देहरादून वाला। चलो फिर यहाँ से देखो भाई हरिद्वार, यहाँ से भाई पूरा हरिद्वार का इसका व्यू आ रहा भाई यहाँ से। एक फरकी बॉडी कहाँ पे है वो है नहीं दिख भी नहीं भाई। और सन भी गाइस बहुत तेज हो गया भाई, वो इधर से ये आ रहा है नहाने वाला में और वो जो ज्यादा फालतू चल रहा है। हाँ मेन है उसकी तो गहराई का कोई पता ही नहीं, उसको ज्यादा भी उसका कम भी होता है उसको कोई पता नहीं है। और बहुत चौड़ी गंगा, जो कितनी चौड़ी है ऊपर आ गया यहाँ से भाई। ट्रैकिंग करते करते तक नहीं रह थक गया बहुत, ये देख लो सीढ़ियाँ इसकी। पानी पीने के लिए मिल जाएगा, मिलते गया भाई पानी पीने के लिए। चलो करो कैसा पानी है यार, ऐसा लग रहा है मिट्टी वाला पानी हो। फाइनली गाइस पहुंच गए हैं और भाई 850 सीढ़ियाँ कम्प्लीट यहाँ पे गाइस, ट्रैकिंग यहाँ पे 850 सीढ़ियाँ का। फाइनली पहुंच गए हैं मनसा देवी मंदिर, इसी तो हालत ख़राब हो गई भाई। ठीक बात गाइस, रात में इतनी ठंड हो गई थी भाई वहाँ पे हल्की पौड़ी पे, यहाँ पे इतनी गर्मी हो चुकी है। फिलहाल अभी ये टाइम बज रही है 6:50 और गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी है यहाँ पे। तो यहाँ पे गाइस ज़्यादा गाइस पहाड़ भी गाइस दूषित करते भाई, कितना कचरा देखो भाई, ये पहाड़ों पर भी कचरा करने लग रहे हैं यहाँ पे। तो भाई ये भाई गलत है, एक पहाड़ी तो होगा जब घूमने का ऐसे सुकून मिलता है, घूमने फिरने का ऐसे चैन की सांस मिलती है, ऐसे नेचुरल हवा मिलती है, बट यहाँ भी कचरों से भरा हुआ है। चलो हाँ आ भी है मंदिर का गेट, श्री मनसा देवी मंदिर। और ये कुछ भाई अभी मंदिर का पता नहीं इधर हुआ, हाँ इस तरफ है द्वार, प्रवेश द्वार एंट्री इधर है। और ये कुछ यहाँ पे होगा थोड़ा सा आपको प्रसाद मिल जाएंगे, आपको मालाएँ मिल रहा है भैया, गर्मी से पूरा हाल है पूरा हाल। चुनरी कितनी बांध रखी, भीड़ के टाइम कावड़ी के टाइम तो ज़्यादा भीड़ होगी ना, वो मानते हैं मन्नत मानते हैं ना, मन्नत जो उनकी उनती है। अच्छा अभी कहाँ से जाएंगे, अभी वहाँ जाएंगे, अभी वहाँ से सामने से जब अच्छा अगर ज़्यादा भीड़ हो ना तो घूम जाना पड़ता है बहुत घूम के, कितना वो वैष्णो देवी काम करेगा जैसे वैष्णो देवी होता है। ऐसे यहाँ पे आपको चप्पल जूते रखने के लिए मिल जाएंगे स्टॉल। और चलो यहाँ से पहले हाथ धो लेते हैं, चलो यार चलो अब चलते हैं। आधा भीड़ गए होती ना तो बस इधर से लोगों को गुजारते हैं, मतलब कि राउंड लगा लगा के, बट अभी इतना कुछ खास क्राउड है नहीं है तो आप सीधा चलेंगे। चलो बोल मनसा देवी मैया की जय, बोल सच्चे द्वार की जय, जोर से बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, सब मिल बोलो जय माता दी, आगे बोलो जय माता दी। देख रहे हो ये तो है वैसे ये मनसा देवी टेम्पल स्वर्ग का द्वार। ये देखो ये दोनों गेट ही हैं, कौन से पंडित जी ये दोनों गेट हैं, चंडी देवी मनसा देवी दोनों गेट ही हैं, चंडी देवी मनसा देवी और ये मनसा देवी हरिद्वार मनसा देवी हरिद्वार। रावण ने बोला था कि नाम आ रहे इंसान को भी स्वर्ग में लेके जाऊंगा, हाँ तो अमृत है यहाँ भी गिरा था वहाँ से समुद्र मंथन से लेकर आ रहे थे अमृत, हाँ एक बूंद यहाँ भी टपका जहाँ जहाँ टपका ना वहाँ वहाँ जहाँ जहाँ अमृत गिरा हर जगह माघ मेला लगता है। अमृत लेके कहाँ जा रहे थे हिमालय में, हाँ कहीं ले जा रहे हैं यहाँ पे गिर गए। मैंने ना संगम प्रयागराज में भी इलाहाबाद है वहीं से वहाँ भी अमृत जहाँ वो लगता है
यहाँ पे गाइस वेरी इंपॉर्टेंट गाइस मैसेज दिए हैं पंडित जी ने, मुझे बताया हर जगह हिस्ट्री गाइस मनसा देवी का। एंड गाइस यहाँ पे गाइस हरिद्वार में बढ़िया गाइस मंदिर गाइस मनसा देवी का हुआ चंडीगढ़ में। एंड गाइस मंदिर के अंदर गाइस यहाँ पे आपको मिल जाएगा ट्रैकिंग टेस्ट के लिए आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे गाइस कुछ है ये है भाई ओडन खटोला मतलब की रोफ बे। टिकट का प्राइस कितना भैया? 135 रुपये है ओनली पर पर्सन अप डाउन का ऊपर नीचे का। अच्छा नीचे जाने का नीचे जाने का या ऊपर आने का? ऊपर आने का तो नीचे है ऊपर नहीं है रोफ बे का। चलो ये अच्छा है भाई और यहाँ पे रोपवे और सामने है मंदिर। चलो गाइस फिलहाल अभी चलेंगे। लोग कहते हैं व्हील के ऊपर घूमते नहीं, व्हील पे घूमता नहीं है, तार पे चल रही है। देखो पूरा तार घूम रहा है यहाँ से वहाँ तक। इतना ये इतने बेस्ट थोड़ी ना हो जो टायर घूमेगा। ओहो इतना घूमते बैक आ जाएगा, इतना इंप्रूव थोड़ी ना हो। नहीं इतना नहीं है, तार घूम रहे। देखो आ गया एक और भी आ गया। चलो सही है, रोप वे भी बेस्ट है लेकिन अगर आपको बजट से हो तो वहाँ पे नीचे आपको मिल जाएगा रोप वे। ट्रैकिंग तो है भाई, ये बात है गाइस 850 सीढ़ियाँ गाइस कम नहीं होते। अगर यंग लोग तो कर लेंगे ट्रैकिंग 850 सीढ़ियाँ भी, लेकिन जो थोड़े से ओल्ड हैं उनके तो रोप वे बेस्ट रहेगा। जैसे पैर में हो तो दिक्कत हो घुटनों में दिक्कत होता है। ये नीचे जाने का है ये रास्ता। यहाँ पे कर लो वॉशरूम करना है तो वहाँ चले जाओ। यहाँ पे भाई गाइस तीन बंद कर रखे हैं भाई, दो ओपनिंग है बस यहाँ पे गाइस, वो भी जा रहे हैं। तो वहाँ पे मेन जो इमरजेंसी है उसको जा सकते हैं, बाकी तो टॉयलेट तो वहाँ पे कर सकते हो भाई साहब। ये ट्रैकिंग सबसे बढ़िया है, यहाँ पे कोई सीढ़ी नहीं है। फाइनली गाइस उतर गए भाई ट्रैक से भी, अभी गाइस वहाँ से आए हैं। एंड यहाँ पे गाइस कुछ खा पी लेते क्या कुछ यहाँ पे, एंड यहाँ पे भटूरे मिल जाएंगे, ब्रेड पकौड़े, चावल और छोले चावल है। ठीक है ये है। और इसकी हालत भाई बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई भाई, पैर में दर्द हो गया। चलो कोई नहीं, तो ये मुझे तो कम से लग रहे हैं। हाँ कितने प्लेट है? 40 की प्लेट है। चलो ठीक ठाक, ज़्यादा इतना खास नहीं है। ठीक है, बाहर तो गैस खाना ऐसा ही मिलता भाई, घर का खाना तो अलग बात होती है। गैस मैं तो रोटी ले गया था घर से, हमने ट्रेन में खा लिया था, तो फिलहाल छोले चावल खा रहे हैं। फिलहाल गैस मैं जाने वाला देहरादून, वहीं पर गैस फ्रेश होकर नहा धोके खाएंगे खाना, बट अभी यहाँ पर नहीं चल सकता ना। मैं कुछ खाता हूँ, मैं वही खाऊंगा देहरादून में, आप खाना खा लो आप। अच्छे भाई पूरे थक गए भाई, उनकी 850 सीढ़ी गाइस ट्रैक कवर करना गाइस बहुत ही मुश्किल है। गाइस ट्रैक बहुत गाइस लंबा था, और फ्रेंड्स आप गाइस रोप वे गाइस यूज़ कर सकते क्यों गाइस बहुत ही लंबा भाई। यहाँ पे रोप वे देखा गया बहुत लंबा था, तो आप गाइस रोप वे यूज़ करोगे 135 रुपये बहुत ही कम है गाइस, मुझे ज़्यादा नहीं है। देहरादून में गाइस उनकी 500 मीटर गाइस वहाँ पे 200 रुपये ले देते, बट यहाँ पे तो उनकी शायद 2-3 किलोमीटर का ट्रैक होगा यहाँ पे, उसके ले रहे हैं 135 रुपये। तो आप रोप वे में जा सकती हो ओडन खटोला। ठीक है अभी चलेंगे, अभी खाफी चलेंगे वहाँ पे क्या लेने वाला है खा रहा है। ठीक है इसके बाद चलेंगे वहाँ पे। एक डैम तो इधर हो गया और एक वहाँ पे हो गया, और वैसे वो बस ओम बस ओम वाला पुल वैसे उस तरफ देखो वो। वैसे मौसम भाई ऐसा रहता है हरिद्वार का, तो बादल है और धूप भी, गर्मी तो है लेकिन ये बात है गर्मी तो वैसे यहाँ पे है। रात को ऐसे ज़्यादा ठंड होगी, बहुत ज़्यादा ठंड होगी भाई रात को तो, बट मैं तो बस डुबकी नहीं लगा पाया गंगा में क्योंकि ऐसे मेरा तो तबीयत थोड़ा ठीक ठाक नहीं था। वो जगह मैंने आपको दिखाया इस मनसा देवी टेम्पल पहाड़ों के ऊपर का, ऐसे हम गई थी लेकिन आपको, और ये हरिद्वार की हरकी पौड़ी मुझे ऐसे रात के लग रहे हैं 12 बजे यहाँ से पहुँच गए थे हम। 12 बजे के बाद हमने स्टार्ट किया था ब्लॉग भाई, 12:20 पे लगे थे स्टार्ट करना। एंड गाइस रात भर गाइस वैसे ही भी बनाते गए बस। एंड फ्रेंड्स अब मैं कहता हूँ वीडियो एंड, बताएं कैसे लगी आप गाइस, अच्छी लगे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय। और इनकी भी हालत खराब हो गया भैया की, जीने वाली तरफ से अब उतरेंगे यहाँ से। अच्छा यहाँ उतरेंगे।